अचानक का करिश्मा। आकांक्षा जुनेजा संग साड़ी वाला स्वैग। गहना की जेठानी बनी हीरोइनी। कभी नूतन तो कभी श्रीदेवी, कभी आलिया तो कभी छलिया। भाई रिश्ते में तो है ये गहना की जेठानी साहिबा। जेठानी साहिबा कनक, असली नाम आकांक्षा जुनेजा। लेकिन पूरे शो में साड़ी को कैरी करने का इनसे अच्छा सलीका और किसी का नहीं है। तो आज सास बहू और बेटियां के साथ गहना की जेठानी कनक यानी कि आकांक्षा बताएंगी अपनी साड़ी का स्वैग। आज तक की टीम पहुंच गई है इस वक्त साथ इमाना साथिया के सेट पर और यहाँ की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्री हमारे साथ हैं जिनका नाम है आकांक्षा जुनेजा और कनक के नाम से आप इन्हें जानते हैं। इनका स्टाइल आपने हमेशा ही देखा लेकिन आज अंदाज थोड़ा सा अलग होगा। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आकांक्षा के। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो कलर है ना ये बहुत कम लोग कैरी कर पाते क्योंकि बड़ा हौसला चाहिए, जिगर चाहिए इस कलर को कैरी करने के लिए। तो इसके जो आपने कैरी किया है इसके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनली मुझे ये कलर बहुत पसंद है। इट्स वेरी लाइट एंड इट्स वेरी डिसेंट। और मुझे ये कलर बहुत पॉजिटिव और इस कलर के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये कलर लाइट का कलर है, सन का कलर है। सो टुडे आई एम मैचिंग द सन एंड अगर आप इस कलर को कैरी कर सकते हैं देन यू विल ऑटोमेटिकली लुक ब्यूटीफुल। आज सास बहू और बेटियां के स्पेशल सेगमेंट में हमने स्पॉट किया है गहना की जेठानी कनक यानी कि आकांक्षा जुनेजा को, उनसे उनका साड़ी प्रेम जानने के लिए। तो आज आकांक्षा में बताएंगी कि तीन ऐसी कौन सी बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं जिनके ऊपर साड़ियाँ बड़ा फपती थी और जिनको साड़ी पहनता हुआ देखकर एक ट्रेंड सा चला और जिनके जिन्होंने साड़ी पहनकर बॉलीवुड के कुछ ऐसे बेहतरीन नगमे परफॉर्म किए कि आज तक वो और उनकी साड़ी के साथ किया हुआ परफॉर्मेंस सबको याद है। तो आकांक्षा आज तीन ऐसी कौन सी बॉलीवुड की अभिनेत्रियाँ हैं जिनको आप एडमायर करती हैं, जब वो साड़ी पहनती हैं तो कमाल लगता है। वैसे तो अगर कहें तो हर औरत साड़ी में खूबसूरत लगती है। आप किसी भी इंडियन फीमेल हो या कोई फॉरेनर हो, आप किसी को भी साड़ी पहना दीजिए, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे सेक्सी लुक साड़ी में आता है। तीन एक्ट्रेसेस जिनको मैं बहुत सराहती हूँ और जिनके ऊपर साड़ी फपती है उनके लिए वो है रेखा जी, बहुत ब्यूटीफुल लगती है वो साड़ी में, विद्या बालन जी और आलिया भट्ट स्पेशली, या गंगूबाई में आलिया भट्ट ने जिस तरीके से साड़ी को कैरी किया है और जिस ब्यूटी के साथ काम किया है, आई रियली 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 लव्ड इट। छोटा पर्दा हो या फिर बड़ा पर्दा हो, जब भी हीरोइंस ने साड़ियां पहन अपना आंचल लहराया है तो वो बन गया है उनका स्टाइल स्टेटमेंट। शिफॉन की साड़ी से लेकर सिल्क की साड़ी तक, हर तरह की साड़ी इन हसीनाओं को और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाने में बहुत कारगर साबित होती हैं। और आज कनक यानी कि आकांक्षा भी हमारे साथ उन अभिनेत्रियों को याद करेंगी और उनको ट्रिब्यूट देते हुए परफॉर्म भी करेंगी। तो चलिए देखते हैं कनक की साड़ी का स्वैग नंबर वन।
ये जो गाना है ये नूतन जी पर फिल्माया गया है और उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स होती थी, कलर्ड फिल्म्स नहीं होती थी, बट फिर भी जिस तरीके से, जिस ग्रेस से उन्होंने वो साड़ी पहन के साड़ी को कैरी किया है, वो इतनी ब्यूटीफुल लगी है कि कमी महसूस नहीं हुई कि फिल्म में कलर्स नहीं थे। स्वैग नंबर दो। और अब मैं आपको एक ऐसी इंडियन एक्ट्रेस के बारे में बताना चाहूँगी जिन्होंने बहुत सारी फिल्म्स में साड़ी पहनी है लेकिन हर बार वो उतनी ही ब्यूटीफुल और उतनी ही ग्रेसफुल लगी हैं। और जो गाना मैं आपके लिए अब परफॉर्म करने वाली हूँ वो गाना ऐसा है कि आप जब भी सुनेंगे या आज भी आप जब भी सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप पहली बार सुन रहे हैं। और मैं तो इस गाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ और अब मैं इस गाने पर आपके लिए परफॉर्म करके दिखाना चाहूँगी। स्वैग नंबर तीन। तो चलिए अब बात करते हैं आज के जमाने की। उस जमाने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है गंगूबाई, जो आलिया भट्ट ने अब मूवी में प्ले किया है। और आलिया भट्ट ने हमें दिखाया है कि उस जमाने के कैरेक्टर को उठा के उन्हें आज भी कितनी ब्यूटीफुली और कितनी ग्रेसफुली साड़ी को कैरी किया है कि हम सबके दिल से एक धड़कन स्किप हो गई उन्हें देख के। तो चलिए अब देखते हैं आलिया भट्ट के गाने पर। भाई उम्मीद है कि कनक यानी कि आकांक्षा जुनेजा के साथ आपको ये स्पेशल साड़ी वाला सेगमेंट पसंद आया होगा। सास बहू और बेटियों के साथ आपको ऐसे ही आपके चहेते सितारों के कुछ अतरंगी मोमेंट्स कैद करके दिखाता रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये म्यूजिकल छोटा सा तोहफा बहुत पसंद आया होगा। मैं जो भी हमारे लेजेंड्स हैं हमारे इंडस्ट्री को, उनके लिए छोटे छोटे प्यार के तोहफे, प्यार के नगमे उनको देना चाहती हूँ जो मैंने इसके थ्रू देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें भी ये पसंद आएंगे और इसी तरह मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी और बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स अपने दिखाती रहूँगी। तो जुड़े रहिए मेरे यानी आकांक्षा जुनेजा के साथ। मुंबई से अनुराग गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।